بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ये कुछ सिस्टम की ख़राबी की वजह से थोड़ी सी ताखीर हो गई है और आज नवा जलसा है बरादरा ने इमामी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद रीजन के तमाम से मैं यहाँ ये अपने आरज पेश कर रहा हूँ जिसमें मैंने परवरदिगार आलम का कलाम माह मुबारक रमज़ान की मुनासिबत से और रोज़ों की मुनासिबत से जो मोमिनीन से परवरदिगार आलम ने खिताब किया है उस आयत को मैंने सरनामा कलाम बयान अर्ज़ किया है। परवरदिगार आलम फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू ऐ मोमिनों कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। तो ये महीना जो है अल्लाह का महीना है जिसमें अल्लाह ने सब बंदों को अपने दस्तरखान पे बुलाया है बल्कि ये कह दूँ तमाम इंसानों को बुलाया है लेकिन खिताब मोमिनों से है इसलिए कि मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह से अहद पैमान कर बैठे हैं कि अब तुमको मानना है और अर्ज कर रहा हूँ कि तू जो फरमाएगा उसी की इताअत करनी है जिसके लिए मैंने अर्ज कर दिया यानी अल्लाह को ही मानना है या आपके उर्दू में दूसरे लफ्ज में कह दूं अल्लाह को ही मानना है अल्लाह की ही मानना है वो इधर ही है यानी इस तरह से मोमिन इस किस्म का अहद पैमान कर चुके हैं। खुदा उनसे खिताब कहता है कुतिबा अलैकुम सियाम तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। अब ये नहीं है कि फकत तुम जहमत में पड़ रहे हो कोई जो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जहमत समझते हो लेकिन हो सकता है तुम्हारे लिए भला हो। जिस तरह बहुत सारी दवाएं आप खाते हैं कड़वी है नागवार है लेकिन फिर भी खाते हैं इंजेक्शन लगवाते हैं या कोई ऑपरेशन होते हैं बहुत तकलीफें हैं लेकिन उसके नतीजे में भलाइयां हैं। तो जब ये इस किस्म के है तो ये जहमतें भी रहमत हैं यानी इन जहमतों को फिर तो ये लोहा किस तरफ जाएगा ये मैग्नेट अर्ज करो ये मकनातीस हर एक चाहता है इसको खींचे अपनी तरफ इसको। अब जिसमें ताकत ज्यादा होगी ये उसकी तरफ चला जाएगा और जिसमें ताकत कम होगी उधर नहीं जाएगा। मेरी बात को जरा सुनिएगा यार क्या अब अगर जिसमें ताकत ज्यादा होगी उधर चला जाएगा जिसमें ताकत ज्यादा नहीं होगी। अब यहाँ कहीं आप लोगों का दिमाग तो इधर उधर नहीं जा रहा यार लगता है लोहा अपने इख्तियार में नहीं है उसको जो मैग्नेट खींचेगा जिसमें ताकत ज्यादा होगी उसकी तरफ चला जाएगा। लेकिन खलाकियत परवरदिगार आलम ये है कि खुदा ये फरमाता है कि मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है कि ये जितने भी मैग्नेट हैं वो तुम्हें खींचेंगे तुम्हारी मर्जी ये खींचने का जबर नहीं है तुम्हें दावत देंगे जाओगे तुम खुद आओ। ये तुमको ये तवानाई मैंने दे दी है। जब शैतान ने परवरदिगार आलम ने से कहा कि मुझे इजाजत दे दो मैं तुम्हारे इन बंदों को मैं वर्ग लाऊं तो उन्होंने कहा जाओ क्यों
इसलिए कि मैंने अपने बंदे मुखलिस अच्छे अच्छे बना रखे, तेरा जोर जोर ही नहीं चलेगा, तो जहां चलता है तो चला, मैं भी खुद देखना चाहता हूँ मेरा अच्छा बंदा कौन है। कहते कयामत के दिन जब अर्ज कर रहा हूँ कि लोग शिकायत अभी करते ना, अभी भी हम लोग बहुत सारे बुरे काम करते हैं, लानत करते हैं शैतान पे, कयामत के दिन भी यही मंजर होएगा, शैतान पे लानत करेंगे, अल्लाह से कहेंगे कि इसने करवाया। तो शैतान, मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ, उसके लफ्ज नहीं बोल रहा, शैतान कहता मैंने क्या कहा तुमको, मैंने तुमसे क्या कहा, किया तूने खुद है, मैंने तुमको दावा दी तुम खुद फिसले, परवरदिगार आलम ने अक्ल दी तुमको उस पे नहीं चले, अल्लाह की दावत पे नहीं चले, पैगंबर की दावत पे नहीं चले, उसके नुमाइंदे उनकी दावतों पे नहीं चले, और मैंने तुमको कहा खुद फिसले, अब मैंने तुमसे काम करा है, काम तो तू खुद किया। यहाँ एक इंसान के कमाल का है कि ये इंसान खुद मुख्तार है, ये एक लोहे की मानद नहीं है कि ये मैग्नेट है इसको खींच ले और खींच के उसके बाद अपने से चिमटा ले। तो परवरदिगार आलम ने आप में अल्लाह की तरफ खींचने वाली कुव्वत, ये खामखा नहीं कहा कि अलफितरा रसूल बातनी, ये फितरत रसूल बातनी, ये खामखा तो नहीं कहा है, बल्कि वो कुव्वत है जो आपको खींच के अल्लाह की तरफ ले जाए। तवज्जो है या नहीं, फकत ये वो आपका, आप फकत आप साथ दे उसका, लेकिन आप अगर इस फितरत और इस जमीर, इसको हमारे आम तरीके से यहाँ इसको फितरत वो जमीर ही अंदाज से बोलते, वो अल्लाह की जबान में तो फितरत ही है, या हमारे फारसी वाले जो बोलते हैं वो विजदान बोलते हैं, वो हमारे पास वो जमीर ही है, जमीर की एक आवाज होती है, वो अंदर की एक आवाज होती है, सुभानअल्लाह, वो एक आवाज होती है, उसके फैसले अपने होते हैं, वो आपको अंदर अंदर से वो जमीर आपको मशवरे देती है। बल्कि अगर मैं यूं कह दूं, ये जमीर जो है रसूल बातनी है, ये मैं अपनी तरफ नहीं करूँ, बुजुर्गन से इस्तेफादा किया हुआ है, लेकिन जबान मेरी अपनी है, ये जो बात बताई है बुजुर्गन ने बताई हुई है। कहते हैं कि बोला अली अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया है कि ये तुम वो खुद को मामूली ना समझो, अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीर, कि तुम ये ख्याल करते हो तुम एक छोटा सा जासूम हो, आलम अकबर, तुम में तो एक बहुत जान समाया हुआ, तुम बड़ी चीज हो, तुम मामूली चीज नहीं हो। अब मौला अली अलैहिस्सलाम आपको बड़ी चीज कहें, परवरदिगार आलम आपको बड़ी चीज कहें, और आप कह दो कुछ नहीं, तो लगता है कि अल्लाह की बात पे भी एतबार नहीं, अली की बात पे भी एतबार नहीं, पैगंबर की बात पे भी एतबार नहीं, अब बहुत बड़ी चीज हो, लेकिन बड़े बनो। वाह वाह, सुभानअल्लाह, ये तो मामूली चीजों में फंसो नहीं, अल्लाह ने तुमको एक इख्तियार दिया है, तुम्हें मर्जी दी, ये कुव्वत दूसरी है, अब आप कर ले जाओ आपकी ख्वाहिशें हैं, शहवत इंसान की खींचे के मेरे साथ आ जाओ, हलाल हराम कुछ नहीं, पेट खींचे हलाल हराम कुछ नहीं, खाओ पियो कुछ नहीं, आना लज्जते मजे इंसान को खींचे हलाल हराम कुछ नहीं, अपनी तरफ खींचे ना, और खींचने के बाद इन्हीं को जो खींच के इनकी तरफ चला गया गैर जिम्मेदार हो गया, ये गैर जिम्मेदार हो गया, लेकिन जब फितरत तो जमीर की तरफ गया ना, क्या जब वो फितरत और जमीर की तरफ गया, तो एक मिसाल मैं दे दूं, मेरे ख्याल में अच्छी बात है, जमीर को एक सफीर मान लो, इस लबान में एक सफीर मान लो, एक मुमलिकत में सफीर, मतलब आपका इंडिया में पाकिस्तान का एक सफीर है, वो सफीर हर मुल्क में भेजता है, हर मुल्क क्यों भेजते हैं, सफीर का काम क्या होता है, सफीर का काम यह होता है कि जिस मुल्क से आया है इस मुल्क में उसके मुनाफे की हिफाजत करे, और उस मुल्क के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो उस पर एतराज करे, अब ये देखो ये हमारे मुनाफे के खिलाफ है,
हम आपके पास बैठे हुए हैं सफीर के हिस्से से, देख रहे हैं ये जो आपका काम है ये हमारे मनाफे के खिलाफ है। तो ये सफीर एतराज करता है, एतराज करता है, यहां इत्तला देता है किसको, अपने मरकज को। तो सफीर का काम ही यही है। तो जमीर को समझ लो कि नहीं। और सफीर जब मसलन इंडिया का सफीर, इंडिया में सफीर है आपका, वो एतराज करेगा एक दफा, दो मरतबा एतवार करेगा, तीन मरतबा एतराज करेगा, अपने इतला देगा, मरकज को इतला देगा, आखिर एतराज करने को बंद कर देगा। कभी तो इतराज सुनता ही नहीं है, फिर एतराज बंद हो जाएगा आखिर पे। फिर मरकज को नाराज गुस्सा आता है कि जब हमारे खिलाफ इतने काम होते हैं, हमारे नुमाइंदे की बात नहीं सुनी जाती, तो वो मरकज अपने सफीर को वापस बुला लेता है। तो सिफारती ताल्लुकात टूट गए। जब सिफारती ताल्लुकात टूट गए तो समझो कि बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब हो गए। इसी तरह से परवरदिगार आलम के पास, इंसान का पास की तरफ से इंसान के पास जमीर है, और ये जमीर थोड़ा सा भी उसकी मुखालिफत में करो आपको झंझोड़ता है, झंझोड़ता है, वो आराम करने नहीं देता है। जब वो आराम करने नहीं देता है एतराज करता है। तो होते 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 वो इसके एतराज होते 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 होते, लेकिन आप इसको तवज्जो नहीं देते, होते होते ये खामोश हो जाता है। जब जमीर बोलना छोड़ दे तो समझ लो कि अब तुमको नमाज पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। वाह वाह वाह, अब तुमको इबादत करने में भी मजा नहीं आएगा। एक डाकू का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, ये अखबार में आया था, तो उससे नामा नगर पूछता, सबसे ज्यादा तुम्हें मजा कहाँ आता है? मजा उस वक्त आता है जब मैं गोली चलाता हूँ, आदमी मरता है जब तड़पता है, मुझे मजा आता है। ये हमारे सिंध का डाकू का है, मैं इंटरव्यू पढ़ा था अखबार में। तो इंसान अर्ज कर रहा हूं, उसके कल्ब में वो राफतें, वो मोहब्बतें, वो उल्फतें, वो शफकतें उससे गुम हो जाती हैं फिर। लेकिन ये कल्ब जब अल्लाह से मुतवज्जे हो जाता है तो इसमें शफकतें भी आ जाती है, मोहब्बतें भी आती है, प्यार भी आ जाती है, रफाकतें भी आ जाती है, दोस्तियां भी आ जाती है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, मेरे साथ है या नहीं? तो फिर तकवा इलाही क्या है कि यहाँ जिस तरह से, और दूसरी मिसाल भी दे दूं, सलावत पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कोरोना वायरस के अलावा दुनिया ये वायरसों से भरी पड़ी है। यानी दूसरे बाज लोग बाज बाब तो इसी अंदाज से कहते हैं कि दुनिया मैदान जंग है, जिसको जिंदा रहना है लड़ के जीना है। वायरस है ये जिसमें दिफाई निजाम है, आप सो जाते हो आपका ये दिफाई निजाम लड़ता है आपके दुश्मनों से। बाज हजरात तो ये तो हमें तो नहीं समझ में आता, यानी हम तो इतनी मोटी बात करेंगे, बाज कहता है कि ये जब जख्म हो जाता है, सूज जाता है, तो ये सूजना ये अंदरूनी दिफाई जो फौज है वो बंद, जिस तरह से मोर्चा बनते हैं ना, वो मोर्चा बंद के जंग करते हैं, ये सूजना भी अलामत है कि मोर्चा बना रहे हैं, मोर्चा बन के जंग हो रही है। तो इसमें लड़ लड़ के जीना है। तो जब जब तक ये रूह है तो देखो तो कुछ नहीं है, लेकिन रूह होने खत्म होने के बाद ये जिस्म जो है सड़ने शुरू हो जाता है, गंद होना शुरू हो जाता है। क्यों? इसलिए कि पहले जब इसमें लड़ने की कुव्वत थी तो जिंदा था। वाह वाह, जब लड़ने की कुव्वत खत्म हो गई, इक्वल टू हो गया, मर गया। बस लड़ना ही खुद एक जिंदगी की अलामत है, लड़े है तो जिंदा है, नहीं लड़ता है तो मर गया है। तो आपको दुनिया यहां खींचती है, बहुत सारी कुव्वत है अपनी तरफ खींचती है। अभी आप ख्याल करो कि एक कहो कि यूरोप है, एक मशरक है, ये जंगे किस बात पे है, जंगे किस चीज पे है?
معاش پہ کس پہ معاش پہ اختیار پہ اختیارات ایک عرض کر رہا ہوں کہ معاشی جنگ ہے کلچرلی جنگ ہے تہذیبی جنگ ہے وہ تہذیبی جنگ کیسے ہے کہ وہ تہذیب جو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے انڈر میں ہو وہ انسان جو اللہ کے تحت میں ہو دوسرے لفظوں میں یہ ہو کہ مومن ہو اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ہے لیکن جو اللہ کے فرمان کے تحت نہیں ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ہے دوسرے لفظوں میں خلاصہ کر لیں کہ ایک طرف الہ ہے ایک طرف طاغوت ہے یہ طاغوت تجھے چاہتے ہیں کہ الہی کلچر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور طاغوتی کلچر زندہ ہو جائے اب یہاں سے آپ کو فکری لحاظ سے بھی بچنا ہے اخلاقی لحاظ سے بچنا ہے معاشی لحاظ سے بچنا ہے سیاسی لحاظ سے بھی بچنا ہے اقتصادی دنیا کے ہر فیلڈ میں آپ کو ایمان کا جلوہ دے کے ایک متقی فرد بننا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسان سبحان اللہ بابا دبلن نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد یہ اہتمام پروردگار عالم ایک تہذیب ایک کلچر تقوی الہی کی بنیاد پہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آپ لوگ تو فقط روزے میں فقط افطاری اور فقط یہ یہاں تک محدود رہتے ہو نا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد حج الفلاح ایک جگہ قصہ پڑھا میں نے ایک بندہ خدا گیا حج پہ مکے میں تھا تو ہزاروں حجی حاجی تھے اس نے خواب میں دیکھا میری طرف توجہ ہے نا بسم اللہ بسم اللہ مجھے میری طرف توجہ دیں ہاں بسم اللہ بسم اللہ زیادہ تر انہی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مطلب نے حج ہے یہ ہے انہی میں وہ ایک وہ یہ نماز مقصد نہیں ہے روزہ مقصد نہیں ہے حج مقصد نہیں ہے یہ تقوی مقصد ہے مقام تقوی پہنچنا مقصد ہے یہ لائن روٹ ہے تم کو لے جاتے ہیں مقام تقوی پہ اب سنیے گا یہ مقام تقوی پہ یہ قصہ ہے میں نے پڑھا ہے بسم اللہ اب چلو غلط ہو اس سے میں نہیں ہے لیکن کوئی نتیجہ لیتا ہوں میں اسے بندہ خدا نے حج کیا حج کے بعد مکے میں خواب میں دیکھا اس کو کوئی ہستی بول رہی ہے کہ اتنے حاجی ہے ان سب کا حج قبول نہیں ہے ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں حج قبول نہیں ہے کتنے حاجی ہیں جو حج کو قربت اللہ انجام دینے جاتے ہیں بہت سارے حرام کے پیسے نہ خمس دیتے ہیں نہ زکات دیتے ہیں نہ پڑوس کا خیال کرتے ہیں لوگ بھوک مر رہے ہیں ان کا خیال نہیں کرتے وہ ایک جاتے ہیں پکنک کے لیے اور بعد میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا سامان گفٹ ان کے طور پر لے آتے ہیں اور بعد میں آگے ہار پہن کے پتہ نہیں دعوت ہے کیا شان بناتے ہیں اس نے کہا اتنے حاجی ہیں کسی کا حج قبول نہیں ہے ایک ہے دمشق میں وہ حج پہ آیا نہیں لیکن اس کا حج قبول ہے ایک دن خواب دیکھا دوسرے دن اس نے دیکھا کہا کہ دمشق میں ہے فلاں نام ہے اس کا تو اس کو شوق ہوا کہ میں دمشق جاؤں اور اس سے ملوں کہ حج پہ آیا بھی نہیں لیکن حج اس کا قبول ہے یہ کیا ہے تو وہ دمشق پہنچ گیا ڈھونڈا اس کو اس نام سے تو وہ ایک موچی تھا بےچارا کیا کام کرتا موچی تو اس نے جا کے با صاحب کہہ دیا یار تم نے کون سا بھلا کام کیا ہے کہ تم حج پہ گئے نہیں لیکن تمہارے لیے حج لکھ دیا گیا ہے کہ یار بات سنو میں ہوں موچی غریب آدمی یہ تھوڑی سی آمدنی ہے اس سے گزارا ہوتا ہے
मेरा इश्क था हज करूं, आज से मैंने पैसे जमा किए। वो आपको जन नशीन कर, वो उसके लिए मैं आपको ये जहमत दे रहा हूँ, ये किस्सा सुना। बिस्मिल्लाह। अच्छा फिर क्या हुआ? तो कहता है कि मेरी बीवी हामिला थी, तो उसकी तबीयत भी खराब थी, पड़ोस में गोश्त की खुशबू आई, तो मेरी बीवी मरीज थी तो कहा कि जरा सा हमारे यहाँ सिंध में इसको कहते भाजी, किसी से लेना भाजी कहते हैं हम, वैसे भाजी तो सब्जी को कहते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा किसी से लेना तो भाजी लेते हैं हम, सिंध में ऐसे कहते हैं, आप पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, हो तो बता दे। तो पड़ोसी ने कहा कि यार बात सुनो, गोश्त तो पक रहा है लेकिन 3 दिन हो गए मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया था, आज मैंने एक मरा हुआ गधा देखा, उसका गोश्त काट के ले आया, वो पक रहा है, अब चाहो तो दे दे तुमको। जब ये मैंने उनकी ये हालत देखी कि उसके बच्चे भी भूखे हैं, बीवी भी मरीजा है और ये गधे का गोश्त पक रहा है, वो भी मरे हुए का, तो ये मैंने हज के लिए जो जमा पूंजी थी सब उनको दे दी थी, मैंने कहा यार तुम गुजारा करो, मैं हज पे नहीं जाता, बस यही काम था मेरा। ये है एक आली इंसान की सिफतें, जब तकवा इलाही पे मकाम पे पहुंचते हैं तो उसके ये कारनामे होते हैं। ये नहीं होता है कि मामूली चीजों पे फोटो खिंचवाते फिर क्या बात है, ये करे ये करे, यू होता यू होता नहीं है, उसका रब्त अल्लाह से होता है। तो फिर काम उसके तकीन के काम होते हैं। सलवात पढ़िएगा, मुस्तहबी नमाज पढ़ो माह रमजान में, तो परवरदिगार आलम कतब लहु बराअत मिन النار, मुस्तहब भी नमाज से बराअत मिन النار है, कि सर्टिफिकेट मिल गया कि जहन्नम नहीं जाएगा। व अन मन अद्दा फीह फर्जन कान लहु सवाब मन अद्दा 70 फरीजा फीमा सिवाहु मिन الشهور, एक फर्ज नमाज तुमने अदा की तो समझो कि 70 फरीजे तुमने अदा किए दूसरे महीने, तो एक महीना ऐसा, ये पैगंबर का फरमान है, सलवात तो पढ़े। महीने का मुबारक महीना है, जब अल्लाह के दस्तरखान पे आते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारी एक अच्छी सिफतें मांगता है, उन अच्छी सिफतों में से एक ये है कि यतीम उन पे मेहरबान बनो। ये सिफत ले लो, लोगों के यतीम हो, यतीम परवरियां करो। अल्लाह आयत है ना, तूबु इलल्लाह मिन ज़ुनूबिकुम, परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं कि अपने गुनाहों की माफी मांगो। वरफऊ वअफ़हफ़ज़ु अलसनकुम, अपनी जबान की हिफाजत करो, एक तो बदजबानी से,
एक जबान के तीर चलाने से शेर है, अरबी में भी है, फारसी में है, उर्दू में भी है, तीर का तलवार का जख्म भरा, तीर का तलवार का जख्म भरा, ये तो भर जाएगा तीर तलवार, लगा जो जख्म जबान का रहा हमेशा हरा। ये जो अपने जबान के तीर चलाते हो किसी से, अगर मैं अब अगर आप अदब से बोलो ना किसी से, ओ ब्रदर, भाई दोस्त, अगर इस अंदाज से बोलोगे ना तो कितना अच्छा लगेगा, अगर मैं बोलूंगा ओए ये बोलोगे तो कैसा लगेगा। तो इधर से वो ब्रदर कहने से वो तुम्हारा तीर में चला, ओए कहा तीर चला, बदतमीजी हो गई, बदतमीजी है बंद, अखलाकियात आ जाओ, एक इंसान होके बोलना शुरू कर दो, जानवर नहीं बनो। तो ये दस्तरखान इलाही माह मुबारक रमजान में है, अब यतीमों पे रहम करो, अपनी जबान को कंट्रोल, जख्म लगाने से बाज रखो। غزو اما لا يحل النظر اليه جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے وہاں سے آنکھیں پھیر لو۔ سبحان اللہ، یوں سمجھ لو کہ یہ چیزیں سب تمہارے پاس ایک امانت ہے پروردگار عالم کی، یہ سمجھ لو کہ یہ آنکھ تمہاری نہیں ہے، یہ زبان تمہاری نہیں ہے، کان تمہارا نہیں ہے، یہ دماغ تمہارا نہیں ہے، یہ ہاتھ تمہارا نہیں ہے، یہ نظریاتی لحاظ سے ہمارے پاس توحید کی دو قسمیں، کبھی سنی ہے آپ نے؟ نہیں، میں دو قسمیں مانا، بہت قسمیں، فقط خلاصے میں دو قسمیں بتاتا ہوں میں۔ ایک ہوتی ہے توحید نظری، نظری یعنی عقیدتی، ایک توحید عقیدتی ہے۔ توحید عقیدتی کی معنی یہ ہے کہ ایک کو ماننا، دوسرا ہے توحید عملی، उसका मतलब है कि एक का हो जाना, क्या हो जाना, एक है तौहीद नजरी अकीदती लिहाज से, हो सकता है कि नजरियाती लिहाज से आप अल्लाह को एक मानते हैं लेकिन अमली लिहाज से नहीं, अल्लाह को नहीं मानते, कितने हैं कि अल्लाह का नाम लेते हैं पता नहीं मानते हैं या नहीं मानते लेकिन अमली तरीके से पता नहीं किसका है। तो वो तौहीद नजरी काम की नहीं है जब तक तौहीद अमली ना आए। तौहीद अमली आए तो एक का ही मानना आए तब तौहीद अमली हो जाएगी। तो इस अंदाज से हमारे पास ऐसा नहीं है कि फकत हम एक बातें करते रहे, जरा सलावत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अस्माकुम, जो सुनना नहीं सही और नहीं उसकी तरफ तवज्जो ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खफफ फी हाज़ा अश्शहर مما ملكت يمينه خفف الله عنه حسابه، اپنے زیر دستوں پہ ذرا رحم و کرم سے جو پیش آئے گا پروردگار عالم حساب کے دن اس کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ دسترخوان الہی کے یہ آداب ہیں، یہ ایک انسان بننے کے لیے۔ وَمَنْ كَتَبَ فِيهِ مَنْ كَفَّ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ فِي غَزَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اپنا غصہ پی جاؤ، ناراضگی پی جاؤ، تو یہاں یہ کرو گے تو پروردگار عالم کو اپنا غضب تم سے اٹھا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دسترخوان الہی کی صفاتیں ہیں ان کے یہاں کے، یہ تمہارے پاس یہاں ملے گا۔ صلوات پڑھیے گا، اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔
ومن اكرم فيها يتيما اكرمه الله يوم يلقاه ومن وصل فيها رحمه الله رحمه وصله الله برحمته صله رحم کرو صله رحم کیا ہوتا ہے یہ رحم یہ بچہ جننے کا ہوتے ہیں نا عورت کا اس کو رحم کہتے ہیں پھر اس میں اس رحم میں شریک بہت سارے ہوتے ہیں یعنی اس رحم کے ساتھ اولادیں جتنی پھر دوسرے جتنے یعنی اس کو نزدیکی عزیز و اقربا کہتے ہیں یہ رحم ہے آپ اس میں یعنی جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں مائٹ آپ کہتے ہو نزدیکی عزیز یہ نزدیکی عزیز جو ہے نا ان پہ صلہ رحم کرو کبھی حال احوال پوچھا کرو کبھی ہلو کیا حال ہے خیریت ہے ٹیلی فون کر لیا کرو کبھی کوئی یا دیدار کر لیا کرو کبھی کوئی ضرورت مند ہے تو ان میں سے بہت اچھی بات ہے صلوات پڑھیں ذرا بابا صلی اللہ محمد رحم سے پہلے وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں عبادت یعنی بندگی بندگی یعنی اطاعت نہیں کرنی ہے نہیں کرنی اللہ کے علاوہ دیکھو بڑے مزے کی بات ہے ایک کلچر عجیب و غریب ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ نہیں کہتے سبحان اللہ پروردگار عالم فیصلہ کرتا ہے کیا پہلے پہلے کیا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی اور فوراً اس کے بعد یہ فیصلے کے بعد بالوالدین احسان والدین کے ساتھ احسان ہے اما یبلغن عندک الکبر تیرا امتحان تو اس وقت شروع ہوگا جب یہ بوڑھے ہو جائے واہ واہ سبحان اللہ خدا فرماتا ہے جب بوڑھے ہو جائے تمہارے پاس احدہما او کلاہما ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر یہ بوڑھے ہو جائیں وَقُلْ لَهُمَا اُفٍ ان کو اُف تک نہیں کہنا کیا اُف تک نہیں اُف کی معنی میں کل بتاؤں گا ابھی آج نہیں بتاؤں گا وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جھڑکنا بھی نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا كَرِيمًا ان کے ساتھ بڑے کریم بڑے پیار سے گفتگو کیا کرو ایسی یعنی اہمیت تو دیکھو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحمی رحم کے ساتھ صلت وصلت کریں پروردگار پیغمبر فرماتے ہیں تو اپنے ارحام جو ہیں ان کے ساتھ صلہ کرو اب یہ ابھی جو کرونا کا موسم چل رہا ہے کرونا کا زمانہ ہے ہمارے پاس ہر ایک چیز بیان کرتا ہے اور ہر ایک اپنی شریعت بنا بیٹھا ہوتا ہے یہ ہے ہمارے پاس مصیبتیں ابھی تک ہمارے مراجع نے عرض کر رہا ہوں آغا مکارم شیرازی نے کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو کرونا ہوا اور تم نے تمہاری بے احتیاطی وجہ سے اس کی دیت تم پر واجب ہے بھی تو ہے ابھی بلا آئی ہے مصیبت آئی ہے اس کا ٹالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کرے اب یہاں سے ہماری پاکستان کی حکومتیں ہیں پاکستان کی اور سندھ کی حکومت میں آپس میں وہ آپس میں بنے وہ سیاسی باتیں ہیں ہم اس سے نہیں سمجھتے اس کو میں لیکن عرض کر رہا ہوں کہ تقوی الہی یہ ہے کہ آپ پرے پرے رہو بچ بچ کے رہو تقوی الہی یہ ہے کہ پرے پرے رہو میرے ساتھ ہے یا نہیں یہ نہیں ہے ابھی میں آج مشہد بھی بات ہو رہی تھی تو ابھی تک حرم مولا امام رضا علیہ السلام کھلا نہیں ہے
जब बोला हरम है वहाँ रजा अलैहिस्सलाम ने, मैंने पूछा जमात हो रही तक नहीं, जमात भी नहीं हो रही, फुल साहब है वहाँ दोस्त है मुझसे जी जी। तो यदि इस हद तक है तो ये फिर खतरे की तरफ क्यों जाए, बातें अपनी तरफ नहीं बनाए, हकायक की तरफ जाए। अब यहाँ एक तरीका, वैसे परस्तिश बहुत बुरी है, सवाए खुदा के किसी की परस्तिश नहीं, कौम परस्ती गलत, पेट परस्ती गलत, शब्द परस्ती गलत, अना परस्ती गलत, खुद परस्ती गलत, खुदा परस्ती सही। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब ये कुछ परस्ती पे मैं कल अर्ज करो तो रोशन डालूंगा, आखिरी दिन भी है, इस परस्तिश पे कुछ रोशन डालूंगा, तो सब परस्तिश बंद है बेशक। लेकिन सिले रहमी, अपने रहम जो है उनका ख्याल रखना, ये वाजिबात में से सुभान अल्लाह। पड़ोस का ख्याल करना वाजिबात में, ये परस्तिश में नहीं है। हाँ जिस तरह बच्चों को पालना बच्चा परस्ती नहीं है, जिस तरह भूख में खाना खाना शिकम परस्ती नहीं है, शिकम परस्ती कोई और चीज है, अकरबा परवरी कोई और चीज है, कौम परस्ती कोई और चीज है जो ममनू है। लेकिन ये पालना, ये फराइज को अंजाम देना है। अगर हमारे पास ये कल्चर चल जाए कि हर एक अपना ये कहे कि मैं अपने रहम जो है उनका ख्याल रखूंगा, तो मेरे ख्याल में हमको इतने राशन भी नहीं बांटने पड़े। अपना हर एक अपना रहम का ख्याल किया हुआ बस, असर कहा तो मैं अपने पड़ोसियों का ख्याल करूंगा, हर एक अगर इसी में पड़ जाए तो मेरे ख्याल में के ये इतना जो हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि ये करे वो करे वो करे, ये बातें सब खत्म हो जाए। इस वजह से अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो फासले हैं इन फासलों को रखे, बल्कि एक अर्ज कर रहा हूँ कि वाजिबात में से है, क्योंकि परवरदिगार अल्लाह ने तुमको जान दी है, इसको सलामती के साथ हिफाजत करना भी वाजिब है। फिर ये आजादारी के अयाम भी आ रहे हैं, आजादारियाँ भी करो, नमाज भी वाजिब है, नमाज भी माफ नहीं, रोजा भी वाजिब है वो भी रखना है, जान भी बचाना वाजिब है वो भी करना है। ये साहब अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, इस तरह से अगर हम ये सिला रहमियाँ करें और ये अपने अकरबा का ख्याल रखें, आयताम का ख्याल रखें, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। बहरहाल इनका ख्याल करें, मैं भी ताकीद करूँगा जो मेरी बातें सुनते हैं उनमें, ये फासले ये दूरियां ये रखें, आजादारियां करें, नमाज भी पढ़े रोजे भी रखें, अपने रहम का भी ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, आयताम का ख्याल करें। ये दर्स रमजान है, ये इंसान होने की अलामत है। वाह वाह सुभान अल्लाह जज़ाकअल्लाह, मौला तौफीक दे आप लोगों को। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु बहुत बोल दे आज, लेकिन अभी सिस्टम भी देर से चला, थोड़ा उसमें भी गड़बड़ हो गई, सामीन जो है वो नाराज होंगे, लेकिन वो सिस्टम में कुछ खलल आ गया, इस वजह से कुछ ताखिर हो गई। मैं जो उनको जहमत हुई उनसे माजरत चाहता हूँ, और ये बिरादर जो सिस्टम बनाने वाले हैं उनको भी जहमत हुई, उनका भी शुक्रगुजार। ये बिरादरान इमामी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद रीजन का शुक्रगुजार कि उन्होंने करम फरमाया, मैं आप हजरात से खिताब कर रहा हूँ। बोला हमें इंसान बनने की तौफीक।